इन दिनों दिल्ली एनसीआर में सूरज के कड़े तेवर बने हुए हैं। यही वजह है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि दो दिनों तक लोगों को सूरज की तपिश से राहत नहीं मिलेगी और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। अक्टूबर की पहली तारीख से मौसम करवट लेगा और लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली एनसीआर की हवा स्तर भी बिगड़ने लगा है। बीते 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर की हवा का स्तर औसत श्रेणी में दर्ज किया गया है। स्काईमेट वेदर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव वाली स्थिति बन रही है, जो कि छत्तीसगढ़ होते हुए इस समय महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच गई है, जिसकी वजह से भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीमों ने 560 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार और सोमवार को हुई बारिश की वजह से 200 से ज्यादा पशु बह गए और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आईएमडी मुंबई के वरिष्ठ वैज्ञानिक के एस हॉसलीकर ने कहा, गुलाब चक्रवात का शेष प्रभाव मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण पर जारी रहेगा और कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि आज यानी बुधवार को विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ गुजरात, उत्तरी कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश हो सकती है। वहीं चक्रवाती तूफान के कारण उत्तर ओडिशा के कुछ जगहों पर आज और कल तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में लगातार हो रहे बारिश को देखते हुए बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आज मुंबई में बिजली, तेज हवाओं और गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर में रहने की सलाह भी दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए तेलंगाना के 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश होगी। वहीं गुजरात में मॉनसून के कारण अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। भारी बारिश को लेकर 20 जिलों में येलो और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के माने तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आज राजकोट, पाटन, मोरबी, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।